Hi guys, welcome back to Canadian Desi Vlogs and I hope you guys are all doing great. तो अमित का बर्थडे आज हम सेलिब्रेट करेंगे. आज है कनाडा में थैंक्स गिविंग, बट आज सबकी छुट्टियाँ. हमने ये डिसाइड किया था, वैसे अमित का बर्थडे 5 को था, बट हम सारे जॉब जॉब पे थे. थोड़े सा बहुत फ्रेंड्स को बुलाना था, बट इवेंचुअली प्लान अभी चेंज हो गया, इसलिए हमने डिले किया था पहले कि हम 5 को नहीं मनाएंगे, छुट्टी वाले दिन मनाएंगे ताकि हम फ्रेंड्स वगैरह को इनवाइट कर सकें. बट स्टिल अभी हम मतलब सारे फैमिली मेम्बर हम खुद ही सेलिब्रेट करेंगे. तो प्रेपरेशन चल रही है, पापा बाहर हैं, घास काट रहे हैं. ठंड तो हो चुकी है बट इतनी नहीं, मतलब ठीक है आज मौसम. और अमित भी बाहर है, मम्मी भी धूप में बैठी है और मैं खाना वाने की तैयारी कर रही थी. अमित की आज डिमांड का सब कुछ बन रहा है. अमित ने बोला था कि लंच उन्होंने खाना है मंचूरियन विद नूडल्स, तो मैं वो बना रही हूँ. उसके बाद मैं डेकोरेशन वगैरह करूँगी तो मैं आपको सारा दिखाऊँगी. तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ आपको किचन में मेरी प्रेपरेशन कैसी चल रही है. तो ये मैंने मंचूरियन के बॉल्स वगैरह रेडी कर लिए. अभी पहले मैं इनको फ्राई करके साइड में रख दूंगी, उसके बाद मैं नूडल्स वगैरह की प्रेपरेशन करूंगी. उधर मंचूरियन और यहाँ पे चाउमिन का सामान रेडी हो गया. तो चाउमिन तो मैंने रेडी कर दिए, आई थिंक अच्छे बने हो. और अभी मंचूरियन की तैयारी हो रही है. मम्मी रेस्ट कर रही है और अमित और पापा मेरे ख्याल से घास काटने गए हैं. लंच रेडी हो गया, अभी सब बैठ गए लंच करने के लिए. उसके बाद हम डेकोरेशन करेंगे, फिर केक रात को काटेंगे. लंच वगैरह हमने कर लिया, अब मैं नीचे आई हूँ. मैंने सोचा नीचे ही काम शुरू करती हूँ, फिर ऊपर सेटअप करूँगी. मैं नीचे काम करना शुरू कर दिया. ये मेरी ऑल अभी मैस, लेट्स सी क्या करती हूँ, क्या बनाऊँगी. अभी मैं शुरू करने लगी हूँ. आई एम यूजिंग ऑल डबल स्टफ्ड बलून्स, 5 इंच 12 इंच ऑल डबल स्टफ. लेट्स सी व्हाट आई विल क्रिएट. Make 3 different colors of clusters and I'm gonna join them all together. So let's see. फिर मैंने इनको धागा जो है बांध के सारे क्लस्टर्स जो बनाए थे डिफरेंट डिफरेंट कलर के उनको आपस में ज्वाइंट किया. सबको ऐसे जॉइंट करने के बाद ऐसे इतनी लंबी अब ये बन गई. अब मैंने इसको ऊपर लेके जाना है, ऊपर ले जाके फिर इसको जो है सेट करना है. ऊपर जाके जो बैकड्रॉप बना रखा है उसके ऊपर सेट करना है. फिर मैंने ऊपर लाके इसको बैकड्रॉप के ऊपर जो है साइड में सेट कर दिया. और बीच बीच में जो गैप्स बने थे उसको मैंने 5 इंच के बैलून्स के डुप्लेक्स बना के उसको जो है मैंने उसमें सम ऑफ द मैंने जो है वो बनाए थे, क्लस्टर बनाए थे जैसे मैंने नीचे दिखाया था, वही छोटे बैलून के बना के मैंने ऐसे ऐड किए उसको गैप फिल करने के लिए. और नीचे बॉटम पे मैंने और जो है 12 इंच के बैलून्स ऐड करके उसको नीचे से थोड़ा हैवी बनाया. मैं दिखाती हूँ. जो पीछे साइन बोर्ड है वो मैंने फॉर्म से बनाया था, उसके आसपास लाइट्स लगाई और ये लीफ हमने पेपर से बनाए थे उसको ऐड कर दिया. वो सारे हम रेडी हो गए.
अमित का बर्थडे आज वो करने के लिए डेकोरेशन भी पूरी होगी। मैं दिखाती हूँ आपको, अभी अमित को बुलाने लगे हैं, सारा सेटअप केक कुक रख रहे थे। ये हमारा आज का सेटअप, ये मम्मी अमित की वेट कर रहे हैं। अमित आ जाओ, मैं नाइफ तो लेके आऊं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। कैसा चला? पिज्जा पार्टी केक को काट गया भाई, हमारी पिज्जा पार्टी। हमें कहीं जाना चाहिए ना आज बाहर, खाना खाने कहीं, मतलब तो खाना खाने नहीं अब तो कहाँ, अभी तो वैसे ही घूमने कहीं। तो खाना हाँ आज तो वैसे भी, हाँ थैंक्स गिविंग है आज तो वैसे भी बंद हो गया है ना। हाँ कैसा लगा सब कुछ? बहुत बहुत अच्छा। डेकोरेशन वेरी गुड, बड़े फर्स्ट क्लास। अच्छा था केक? अच्छा है ना? नहीं, मम्मी ने बहुत हेल्प करी, नहीं तो मैं तो बैठी रहना था आज। मैंने 2 बजे तक मम्मी की हेल्प होगी बहुत। भैया को फोन कर रही थी, भैया ने तो उठाया। मम्मी आपको कैसा लगा पिज्जा? कैसा था? बहुत अच्छा, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। केक बड़ा स्वादिष्ट था, है ना? अभी खाएंगे, अभी मैं तो भूल ही गई कि हमने अभी खाना भी खाना है। ठीक है, खुश हो? बहुत बहुत। लेट हो गया बट अच्छा, अभी हम डांस करेंगे फिर, पर हम वो नहीं कर सकते, फिर गाना तो बंद करना पड़ेगा, बट वैसे ही दिखेगा सबको। डांस तो कर ही सकते हैं हम। हाँ ठीक है, तो थोड़ा गाना गुना लगा के नाच डूस करते हैं, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। पापा को तो पापा बहुत रेडी हो डांस के लिए? चलो मैं गाना ढूंढती हूँ। आई नो ये बहुत देखने में वियर्ड लग रहा है बट हमें क्योंकि गाना कुछ और चल रहा है और हम डांस किसी और मतलब गाने पे कर रहे थे, म्यूज़िक कुछ और मैंने लगा रखा है अभी, वो इसलिए क्योंकि उसमें बार बार कॉपीराइट क्लेम आ रहा था अगर हम उसी गाने को चला रहे थे, तो इसलिए वो हमें बंद करना पड़ा। एंड पहले हमने पंजाबी गाने पे डांस किया, फिर अब मम्मी मुझे पहाड़ी गानों पे
वो डांस सिखा रहे थे, तो वैसे बहुत मज़ा आ रहा था ऑनेस्टली, बट क्योंकि अभी इसमें आपको गाना सुनाई नहीं दे रहा तो शायद इसमें इतना आपको देखने में मज़ा नहीं आ रहा होगा, बट हमें मुझे सीखने में बहुत मज़ा आ रहा था. इट इज़ एक्चुअली रियली गुड. तो मुझे आ भी गया था, मम्मी बोल रही थी कि तुझे आ गया है, अच्छा कर रही है. तो मज़ा किया हमने, और मैं कोशिश करूँगी कि ये वाली जो क्लिप्स है वो मैं विद सॉन्ग, जिस गाने पे हम मतलब डांस कर रहे थे उस सॉन्ग के साथ मैं शॉर्ट्स में डालूँगी, यूट्यूब शॉर्ट्स में. उसमें क्योंकि क्लेम नहीं आता, तो इसमें फिर बार बार क्लेम आ रहा था इसलिए मुझे बंद करना पड़ा, बट हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आ रहा था. अभी हमने डांस वांस करके ये चेंज कर लिया सबने, अब खाना खाने बैठने लगे हैं, तो उसके बाद थोड़ा मूवी वूवी देखेंगे आज, तो फिर देखते हैं बाद में क्या करना. आज सोने का दिल नहीं है ना, हम इतने ही तो बोला आज मूवी देखनी है, मैं अच्छी सी मूवी लगाता हूँ. तो आज आज बर्थडे बॉय ने चिकन बनाया खुद ही सबके लिए. बा आपका बनाया तो अच्छा ही होता है, चिकन तो अमित अच्छा बनाते हैं. खाना खा ले फिर, चलो मैं भी आती हूँ. सबने चेंज कर लिया तो सेलिब्रेशन करने के बाद हम बैठे तो थे सारे मूवी देखने के लिए, बट नींद बहुत आ रही है, सारे बहुत थके हुए थे क्योंकि सारे काम में लगे हुए थे. तो पहले सुबह से लेके शाम तक मैं भी डेकोरेशन में लगी हुई थी, पापा ने भी घास घूस काटी, अमित और पापा ने घास का काम किया पीछे का, एंड देन फिर उन्होंने गाड़ी गुड़ियाँ वॉश करी. तो सब थक गए थे, आज पूरा दिन भाग दौड़ थी. वैसे भी अब रात के 2 बज गए हैं, एंड मूवी किसी ने भी पूरी नहीं देखी. मूवी वैसे इंटरेस्टिंग थी, हम कल पूरी करेंगे शाम को. मूवी का नाम था नई मूवी है माधुरी दीक्षित की, मजा में कुछ ऐसी मूवी थी, बट इट वाज रियली गुड एक्चुअली. तो हम कल फाइनली पूरी करेंगे, बट आज मैं आई एम ऑल्सो वेरी स्लीपी, तो मैं भी सोने जा रही हूँ. सारे सो चुके हैं, मम्मी पापा अमित सब सोने चले गए, तो मैं भी बस सोने जा रही हूँ. एंड आज का ब्लॉग हम यहीं पे फिनिश करते हैं. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग. आज हमने बहुत इन्जॉय किया, अमित ने भी बहुत मज़ा आया. हमने लेट सेलिब्रेशन करी क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि छुट्टी आएगी, तो छुट्टी के दिन ही हम सेलिब्रेट करते हैं मोस्टली बर्थडे, चाहे जिस दिन मर्जी आए बट हम छुट्टी वाले दिन ही, क्योंकि फिर बंदा मज़े से टेंशन फ्री होके इंजॉय कर पाता है. काम से आओ तो तुम थके आते हो, पहले ही जॉब से थके आते हो, तो बंदा उतना इंजॉय नहीं कर पाता. तो इसलिए आज हमने बहुत मज़ा किया, चारों ने बड़ा मज़ा आया, इंजॉय किया पूरा. एंड डेकोरेशन थैंक यू, मेरे मुझे क्रेडिट जाता है, और मम्मी को, मम्मी ने इस बार मेरी बहुत हेल्प करी, नहीं तो यूजुअली मैं अकेली होती हूँ करने के लिए. तो अमित की हेल्प मैं लेती नहीं क्योंकि उनको सरप्राइज़ देना होता, तो मैं कभी उनकी हेल्प लेती नहीं इस चीज़ में, बट आज हमने उनको साइड करके मैंने और मम्मी ने मेरी काफ़ी हेल्प करी, तो इसलिए जल्दी हो गया सब कुछ. बट फिर भी आई थिंक मुझे सब बनाने में करने में 4-5 घंटे फिर भी लग गए थे, शाम से लगे हुए थे, 4-5 बजे लगी थी, और मेरे ख्याल से 9-9:30 बजे तक मैंने डेकोरेशन कंप्लीट करी, क्योंकि एवरीथिंग खुद ही बनाया था सब कुछ, और पेपर पाल्म और लीफ देखे होंगे आपने, वो भी हमने खुद ही बनाए थे, बर्थडे साइन भी हमने खुद बनाया, सब कुछ हमने खुद बनाया था. काफ़ी दिनों से वैसे तो प्रेपरेशन चल रही थी, जिस दिन भी छुट्टी होती थी कुछ ना कुछ बना लेती थी. तो या यही था. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट, एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा. प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कनेडियन देसी ब्लॉग. थैंक यू सो मच, गुड नाइट गाइज, थैंक यू.